हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें जीआईसी मेंस की प्रिपरेशन, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर हो गया जिसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर्स यानी सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल कैंडिडेट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, आज उसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे का कहना है, कि ब्लैक इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, बहुत अच्छे समझ लिए। सिलेबस में यदि आप एमएससी कर रखें तो बहुत ऐसी चीजें हैं, ब्लैक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करके जाइए। क्योंकि यदि वहाँ क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखने कोई कॉलम नहीं है कि इक्वेशन मतलब कि सिलेबस में नहीं था, आपने पूछ लिया। जैसे केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, बहुत जगहों पर पता जाता है कि उसमें नहीं है, जैसे में क्वेश्चन उससे आए थे, तो आप थोड़ा बहुत अपना एरिया बढ़ा के चलिए ब्लैक इक्वेशन, क्योंकि 100 है आपका, तो ब्लैक इक्वेशन आप तैयार करके रखिए। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तैयार रहेगी आएगा तो 10 नंबर का आपको फायदा होगा। नहीं आया तो आप तो बहुत कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पेपर तो मिला नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो तैयारी में एक आध चीज़ आप बढ़ाकर चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने पिछली बार बताया था, उसमें देखिए, डिराइव द ब्रेक क्वेश्चन फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। तो ब्रेक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया करेंगे, उसमें थोड़ा दायरा बढ़ा देंगे, तो आपके क्वेश्चन उस पर रिलेटेड कोई भी आए ब्रेक क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। डिराइव द ब्रेक क्वेश्चन फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, तो इसको डिराइव करिए और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो बताइए, आपका काम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, इजीली आपको 9-10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको भी आप डेरिवेशन सीख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय फ्रैक्शनल चेंज मेथड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए फ्रैक्शनल चेंज मेथड से कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कई क्वेश्चन में लिखा रखे हैं, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रखना है, अलग अलग तरह के अपने आंसर तैयार रखिए। व्हाट इज रेडियस रेशियो, हाउ डज इट अफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो रेडियस रेशियो में क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी लिखा रखा है, तो आपको क्वेश्चन आज करना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, केमिकल कैंडिडेट्स पर एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो आपको केमिकल कैंडिडेट्स पर ध्यान रखनी है। क्या क्वेश्चन है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर इज फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन द टाइम फॉर 75% रिएक्शन T75 एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, रिएक्शन T50%, ये छूट गया था। रिलेशन क्या प्रूव करना है, T75 इक्वल टू 2 × T 50%, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके आते हैं और आपके प्रैक्टिस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री से भागना नहीं है, कोशिश करनी है जितना आप कर सके। भाई मान लो कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पता हो और आप लिखें, भाई ठीक है आपको क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आप अच्छे थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो कम से कम आपको 3-4 नंबर तो मिलेगा ही। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ना नहीं है, जितना हो सके प्रयास करिए लिखने का। यदि वहाँ आपको कुछ भी याद रहेगा, यदि आप उसके बारे में थोड़ा भी लिखते हैं 20% 30% लिखते हैं, तो आपको 3-5 नंबर तो मिलेगा ही, जो भी नंबर मिलेगा वो प्लस होगा। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री बाकी मत, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों से क्वेश्चन आएंगे, कम ज़्यादा कोई चक्कर नहीं होता, किसी से ज़्यादा है किसी कम आ जाए, तैयार आपको पूरा करना है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि आपको यदि 60% 55% स्कोर कर लिया सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इसलिए तैयारी करिए। सो कॉपी कर लिए बेटा, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। डिस्क्राइब विद एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो इन द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट। रेडियस रेशियो पे बड़ा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है, कोई भी दो एग्जांपल, एक एग्जांपल ले सकते हैं, यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एग्जांपल ले लीजिए, यदि 15 का है तो 2-3 एग्जांपल जो आप ले सकें। डिस्क्राइब विद एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो इन द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट। और साथ ही बेटा क्या है कि आप फिगर भी बनाए, सॉलिड स्टेट क्वेश्चंस में यदि आप फिगर बना सकते हैं, फिगर प्रैक्टिस करते हैं, तो नंबर के आपका अच्छे मिलेंगे, इसलिए सॉलिड स्टेट क्वेश्चन में फिगर बनाइए, जो भी आपका है फिगर स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ कर सकें, मॉलिक्यूल का मान लीजिए स्ट्रक्चर बना सकें, थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है आंसर पे। आगे बात करते हैं, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जेडन बाय जिंक ब्लेंड जेडनस। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन होगा, तो बकायदा इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ेगा और बाकी प्रॉपर्टीज जो आपको है फीचर्स है स्ट्रक्चर के वो आपको बताने पड़ेंगे। अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन।
हाफ लाइफ क्या है उसके बारे में बताएंगे, हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है। यदि आपको याद है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सबके लिए जो है आपका वो रिलेशन लिख दीजिए। और फिर क्या है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है और बाकी बताना है हाफ लाइफ होता क्या है कम्प्लीटली। ठीक, आगे देखिए। ये क्वेश्चन आपको देखिए साइज में लंबा जो लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपका उतना टफ नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बताएगा क्वेश्चन समझाने के लिए, तो पढ़ते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम फोर टाइम्स इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, बट इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल देयर इज नो चेंज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर और रेट लॉ आपको एक्सप्रेस करना है। इसका बता दिया आपने कि ए का यदि हम फोर टाइम करते हैं तो बी क्या है, टू टाइम हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आपका हाफ ऑर्डर हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको इसको पूरा करना है, क्वेश्चन बनानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और साथ में क्या करना है, रेट लॉ का रिएक्शन मतलब एक्सप्रेशन भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन आप इजली कर सकते हैं। फिजिकल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसीलिए कि फिजिकल भी करिए, छोड़िएगा नहीं, तो फिजिकल में भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको क्या होता है क्वेश्चन में लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चन करने वो भी कंपलसरी है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कॉपी कर लीजिए।